तुलना, स्पर्धा, होड़। शायद हम सभी ने अपने जीवन में एक ना एक बार ऐसी स्थिति का सामना किया हो या माता पिता को अपने बच्चे के साथ ऐसा करते देखा हो। तुलना करना किस हद तक सही है और बच्चे के मन पर क्या प्रभाव छोड़ सकता है, स्टूडेंट्स के लिए आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में मोदी जी देश भर के छात्रों से सालाना जुड़ते हैं, मोटिवेट करते हैं। उन्हीं चर्चाओं से हम ले आए हैं कुछ स्पेशल टिप्स हमारे एग्जाम वॉरियर्स के लिए। कई बार पाया गया है कि आजकल के समाज में बच्चे की सफलता विफलता माँ बाप का सोशल स्टेटस मात्र बनकर रह गया है। लगातार दूसरों से तुलना के चलते बच्चे की अपनी यूनिक आइडेंटिटी, उसका खुद का सामर्थ्य निखर कर सामने नहीं आ पाता है। इस विषय पर मोदी जी माता पिता और अभिभावकों का मार्गदर्शन बड़ी सुंदर तरीके से करते हैं, आइए सुनते हैं। मैं अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि आप इसको जो सोशल स्टेटस बना दिया है, जो अपने यार दोस्तों में कहीं मिलने जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो सब बात करते हैं कि मेरा बेटा ये करता है, मेरी बेटी ये करती है, तो उनके मन में रहता है कि मैं वहां मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। उसका तो बेटा यहां पहुंच गया, उसकी तो बेटी वहां पहुंच गई, और मैं ही हूं, कुछ बोल नहीं पाया और मुझे घर आना, और फिर वहां जो सुना, बस सामने आप मिले नहीं कि मरे नहीं। समाज में वो किसी और के बच्चों की कथा सुन करके आते हैं, फिर मनोमन तय करते हैं मेरे बेटे बेकार है, मेरी बेटी बेकार है, मेरा कुछ हुआ नहीं, और हो सके तो गाड़ी में जाते होंगे तो पहले अपनी पत्नी को डांटते होंगे कि तूने कैसे बच्चे बड़े किया, क्या सिखाया, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, उसी को डांटते रहते हैं कि तूने क्या सिखाया, ऐसे बुद्धू पैदा कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या, और घर पहुंचते ही तुम मिल गए सामने तो खेल खत्म। और इसलिए मैं अभिभावकों को कहता हूं कि आप इसको सोशल स्टेटस मत बनाइए, आप दुनिया से मत छुपाइए। अगर आपके बेटे के अंदर जो सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य की चर्चा कीजिए, उनके बेटे के सामर्थ्य से आप अपने बेटे की कंपैरिजन मत कीजिए। और दुनिया में कोई बालक ऐसा पैदा नहीं होता है कि जिसके अंदर कोई न कोई भगवान ने विशेषता न दी हो, हर किसी को भगवान ने कोई न कोई परम शक्ति दी होती है। अगर पेरेंट्स उस परम शक्ति को पहचान ले और बालक को उस परम शक्ति के साथ जोड़ करके रखें तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। उधारी चीजें मत थोपो, अगर ये हम कर लेते हैं तो, और मैं अभिभावकों के रोल को बड़ा महत्व समझता हूं, वो बच्चे की केयर करे, दबाव न डाले। ये अंक वगैरह तो जिंदगी नहीं होती है जी, क्या एक एग्जाम जिंदगी होती है क्या? आपको दुनिया में बहुत लोग मिले होंगे। अब आप हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी देख लीजिए, उनका तो फाइटर प्लेन के पायलट बनने का इरादा था, फेल हो गए, क्या जिंदगी पूरी हो गई क्या? वहां फेल हो गए तो देश को एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक मिल गया जी, देश को एक उत्तम राष्ट्रपति मिल गए। और इसलिए जिंदगी ये माँ बाप के दिलों दिमाग में ये बार बार वातावरण बनना चाहिए, अभिभावकों ने भी करना चाहिए। अगर ये रहता है तो मैं समझता हूं कि ये जो घर का तनाव है और उस तनाव समस्या बन गया है जी, ये एक सोशल स्टेटस बन गया है। और आप 90 लाओ तो पूछेंगे 95 क्यों नहीं लाए, 95 लाएंगे तो बोले देखो उसका तो 95 आया, तूने क्या कमाल कर दी। अगर आप 97 लाए, अब क्या है, अब तो 80% बच्चे 97 लाते, तू कौन सा बड़ा 30 मार्क की करता है। अच्छा हम हिम्मत नहीं कर सकते पूछने की कि आपका क्या हुआ था, और इसलिए एक खुलापन, एक तंदुरुस्त वातावरण परिवार में रहे, और सिर्फ एग्जाम के टाइम नहीं, सामान्य रूप से ऐसा रहना चाहिए। हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है कि बेटा बेटी 18 साल के हो जाए तो माँ बाप ने उन्हें मित्र के रूप में मानना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मोदी जी ने, अपने बच्चों के मित्र बने,
उनके दोस्त और एक विश्वसनीय साथी के रूप में भी मौजूद रहें और जैसे जैसे उनका विकास होता है उन्हें अपनी स्वयं की पहचान बनाने में मदद करें। इन सब में प्रोत्साहन और प्रेरणा की बहुत बड़ी भूमिका है। माता पिता और अभिभावकों के सकारात्मक शब्दों से बच्चे की दुनिया बनती है। मोदी जी कहते हैं, बच्चों के लिए अपने माता पिता से मिलने वाले प्रोत्साहन से अधिक कीमती चीज शायद ही कुछ और हो। आइए जाने बच्चों के इनकरेजमेंट की इम्पोर्टेंस पर वो क्या कहते हैं। ये बात साफ है कि अभिभावकों का सकारात्मक रवैया बच्चे की जिंदगी की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। टीचर्स का भी आपने देखा होगा, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो तीन चार बच्चों के पीछे उनका लगाव होता है, वो सवाल पूछेंगे तो उसके बात करेंगे, कोई आया सवाल पूछना है तो वो हाथ उठाता है तो उसी को कहेंगे अच्छा बोलो, उनको प्यारा लगता है, उनको लगता है वो तुरंत ठीक कर लेता है और उसके कारण क्लास के बाकी बच्चों के मन में उस टीचर के प्रति भी एक अभाव पैदा होना शुरू हो जाता है। एक जो सम्यक दृष्टि का अभाव होता है उसका परिणाम होता है। उसी प्रकार से माँ बाप भी कभी अपने यार दोस्तों के यहाँ गए हो तो आपने देखा होगा कि पता चले कि हाँ इनका बेटा ने किया तो उसको बुलाएंगे, सुन देख इसने क्या किया। यानी 25 लोगों की भरी सभा में रिश्तेदारों के बीच में माँ बाप उसको वहीं सिखाना चाहते हैं, देख ये मोहन भाई के बेटे ने क्या किया, देख तू है जो कुछ करता नहीं है, हो गया मामला खत्म। और ऐसी आदत करीब सबको होती है। आप घर में भी जाओगे तो सुनाएंगे कि देखो मामा का बेटा कितना आगे निकल गया, तुम कुछ सोचो। ये जो कंपैरिजन है ये माँ बाप ने टीचर ने कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। उससे उसको बहुत निराशा मिलती है, उसका उसको हतोत्साही कर देते हैं। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक परिणाम लाती है जिसकी शायद हमने भी कल्पना नहीं की है। हमारा काम होना चाहिए उसको प्रोत्साहित करना। ठीक है वीक है बच्चा, लेकिन वो वीक क्यों है, क्योंकि आपने 90% वाले की तुलना करना शुरू किया इसलिए आपको बुरा लगता है। लेकिन आप उसको ये कहो कि देखो बेटा पिछली बार तुम 55% लाए थे, इस बार 60 ले आए, क्या कमाल कर दिया तूने। बेटा तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। 55 से 60 की जो खुशी है वो उसको 60 से 90 ले जाने की ताकत दे सकती है। लेकिन 90 क्यों नहीं लाया, इसलिए 60 को कोसते रहोगे तो बच्चा 60 से 40 की ओर चला जाएगा, 60 के 70 की ओर नहीं जाएगा। और ये एक एनवायरमेंट बहुत आवश्यक है। हम कोसते रहेंगे, हम उसको नीचा दिखाते जाएंगे बच्चों को, तो हम उसको कभी भी ताकतवर नहीं बना सकते हैं। मैं सरकार में काम करता हूं, अगर मुझे कोई छोटी भी बात किसी अफसर को कहनी है तो अलग से कभी मिल जाए तो बताता हूं कि देखो यार इसका कैसे करेंगे। लेकिन समूह में जब मिलता हूं मैं जी जान से उनकी तारीफ करता हूं, जी जान से करता हूं, और वो तारीफ झूठी नहीं होती है जी। उन्होंने भी अपने समय की जो भी शक्ति है अनुभव है पूरा निचोड़ दिया होता है। ठीक है प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुसार 2 कदम पीछे रह गया होगा, लेकिन उसके कारण उसकी मेहनत बेकार नहीं है जी। टीम स्पिरिट के लिए ये गुण बहुत आवश्यक होते हैं। मेरा भी आपसे आग्रह रहेगा, आप अपनी तुलना अपने पुराने रिकॉर्ड से कीजिए, आप कॉम्पिटिशन अपने रिकॉर्ड से कीजिए, आप अपने रिकॉर्ड ब्रेक कीजिए। आप अगर खुद के रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे तो आपको कभी भी निराशा की गर्त में डूबने का मौका नहीं आएगा। आप अपने आगे बढ़ना, और उसमें आपको पता है कि मैं 3 घंटे नॉनस्टॉप काम कर सकता हूं, 3.5 घंटा करना है तो 3 का पता है तो 3.5 का सोच सकता हूं, सामने वाला 5 का कर सकता है तो मैं 5 नहीं कर सकता हूं, छोड़ो यार मैं 3 के 3.5 कैसे कर लूं। ये बदलाव बहुत जरूरी है, अगर ये आपने कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं किसी तनाव से आपको गुजरना पड़ेगा। तो बस इतना ही करना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ने देना है और उनकी उड़ान को बढ़ावा देना है।
उन पर तुलना या तानों का बोझ नहीं बल्कि प्रोत्साहन और प्रेरणा की शीतल छाव बनाए रखनी है। तो अपने बच्चों को प्रेरित करना जारी रखें, इससे वे चमक उठेंगे और आपके चेहरे पर भी मुस्कान लौट आएगी।